हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइनल इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में भाई साहब एक और फील्ड, बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग फील्ड जो है अपने IPv4 हेडर से रिलेटेड, वो लेके आ गया हूं, जिसका नाम है TTL यानी टाइम टू लिव। अब इस फील्ड के बारे में सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, डिटेल में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपके सारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे काम आता है, इस फील्ड को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ये किस तरीके से हमारी मदद करने की कोशिश करता है, ये सारे आपके जो सवाल है उनका जवाब देने की कोशिश मैं इस वीडियो के थ्रू करने वाला हूं दोस्तों। तो TTL यानी कि टाइम टू लिव, अब ये जो फील्ड है ये 8 बिट की है, बाइट नहीं, 8 बिट की ये रिस्पेक्टिव फील्ड है। अब इसका क्या रोल है, इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा, बैक यू नो फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक TTL को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स कंसीडर हमारे पास ये राउटर है, ओके, और यहां पे ये जो राउटर है इट इज कनेक्टेड टू लेट्स से 3 नेटवर्क्स लाइक दिस, ओके, 3 नेटवर्क को कनेक्टेड है आपका ये राउटर। अब यहां से एक पैकेट अराइव होता है आपके राउटर के पास, अब इस पैकेट को, इस राउटर को राउट करना है टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क, ओके। अब अगर ये पैकेट जो है इस पर्टिकुलर नेटवर्क को बिलोंग करता है, लेट्स से आई एम मेकिंग द थिंग्स मोर सिंपलर टू यू, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 लाइक दिस, ओके। अब अगर ये पैकेट जो है मेरा नेटवर्क 1 को बिलोंग करता है तो राउटर को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो सीधा सीधा उसको राउट कर देगा टू द नेटवर्क 1, जा भाई तेरे डेस्टिनेशन पे जा, लाइक दैट। अगर वो 2 को बिलोंग करता है तो वो सीधा सीधा राउट कर देगा, व्हाई, बिकॉज ये राउटर आपका इन तीनों नेटवर्क को कनेक्टेड है, इसीलिए वो आराम से राउट कर सकता है उस पैकेट को, इफ दैट पैकेट बिलोंग्स टू 1, 2 और 3। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर वो 3 को बिलोंग करता है तो वो 3 को चले जाएगा, लेकिन अगर ऐसा सिनारियो आता है कि जहां पे ये पर्टिकुलर पैकेट डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दीज नेटवर्क्स टू विच द राउटर इज कनेक्टेड, यानी 1, 2 और 3 इसको अगर वो बिलोंग नहीं करता, लेट से अगर वो 5 को बिलोंग करता है, नेटवर्क नंबर 5 को अगर बिलोंग करता है, नॉट 1, 2, 3, तो उस केस में राउटर क्या करेगा? बिकॉज सी राउटर की भी लिमिटेशंस है, किस तरीके से कि राउटर जो है वो आपके पूरे दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स है, एक राउटर सभी को कनेक्टेड नहीं हो सकता। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, बराबर, एक राउटर है, बच्चे की जान है, वो पूरे वर्ल्ड में जितने नेटवर्क्स है उनको कैसे कनेक्टेड हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे जैसे मैंने सिनेरियो कंसीडर किया, 3-4 ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्टेड रह सकता है वो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितने मौजूद नेटवर्क है उनके साथ कनेक्टेड रहना एक राउटर का थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे इस हालात में क्या किया जाए, तो इस हालात में एक डिफॉल्ट रास्ता जो है वो राउटर के लिए खुल जाता है, एक डिफॉल्ट रास्ता, एक डिफॉल्ट केस कह सकते हो, और वो डिफॉल्ट केस होता है एक डिफॉल्ट राउटर, लेट्स कंसिडर इट एज आर डैश। मतलब यहां पे जो ये राउटर है इट इज नॉट नोइंग कि भैया इस पर्टिकुलर पैकेट को मैं कहां पे राउट करूं, बिकॉज जितने को वो कनेक्टेड है नेटवर्क को वहां तो वो राउट नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर पैकेट को, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू दोज नेटवर्क्स। तो फिर ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर पैकेट को इस इंटरफेस पे सेंड कर देता है, एक तरीके से यहां पे इस इंटरफेस पे वो जो डिफॉल्ट इंटरफेस हम कह सकते हैं उसे, इस डिफॉल्ट इंटरफेस पे टू दिस पर्टिकुलर डिफॉल्ट राउटर वो सेंड कर देता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये बेसिक सी चीज समझ में आ गई, बेसिक सी चीज अंडरस्टैंड हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन कोर TTL टाइम टू लिव। अब होता क्या है, लेट्स कंसिडर सिनारियो, यहां पे मेरे पास एक राउटर है R1, ये एक राउटर है R2, ओके, और यहां पे एक राउटर है R3 लाइक दिस, ओके, इस तरीके से। अब होता क्या है कि एक पैकेट आता है, यहां पे एक पैकेट आता है, अब ये पैकेट आया R1 के पास, अब R1 को पता नहीं इसे कहां सेंड करना है, किस पर्टिकुलर नेटवर्क को सेंड करना है, बिकॉज जिस नेटवर्क से ये कनेक्टेड है ये पैकेट उन नेटवर्क्स को बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसा कि पिछला सिनारियो हमने देखा जस्ट अभी। तो ये क्या करेगा, अपने डिफॉल्ट राउटर को सेंड करेगा। नाउ लेट्स कंसीडर R2 इज द डिफॉल्ट राउटर ऑफ R1, तो वो क्या करेगा, ये पैकेट R2 को सेंड करेगा। अभी R2 के पास वो हमारा पैकेट आ गया, R2 के साथ भी सेम सिनारियो, R2 को भी वो क्या करना पड़ रहा है, ये पैकेट अपने डिफॉल्ट राउटर को ही फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, सेंड करना पड़ रहा है, और R3 जो है वो R2 का डिफॉल्ट राउटर है। तो एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर पैकेट है ये इस इंटरफेस के थ्रू R2 राउट करता है और R3 को दे देता है, ठीक है। अब R3 के साथ भी चलो सेम सिचुएशन आ गई कि उसे भी अपने डिफॉल्ट राउटर को ही देना पड़ रहा है वो पर्टिकुलर पैकेट जो अभी अराइव हुआ है, तो ये R3 के लिए R1 जो है वो आपका डिफॉल्ट राउटर है, ओके। तो फिर ये क्या करेगा, इस इंटरफेस पे आपके उस पैकेट को डाल देगा और R1 तक उसे पहुंचा देगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉकेट पैकेट कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये पैकेट आ गया यहां तक, R1 तक वापस आ गया, बराबर। अब R1 का बिहेवियर क्या चेंज नहीं होने वाला, अभी भी जो नेटवर्क R1 से कनेक्टेड है
ये पैकेट उनको बिलोंग करता नहीं, बिकॉज पहले भी बिलोंग नहीं कर रहा था और अभी घूम के आया तो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, अभी भी बिलोंग नहीं करता है, बराबर है। तो अब ये साइकिल बन जाएगी, अब ये वापस से अपने डिफॉल्ट राउटर को सेंड करेगा, ये वापस से R3 को, ये वापस से R1 को, ये वापस से R2 को, ये वापस R3 को, ये वापस R1 को, तो ये चलता रहेगा और ये एक लूप में फंस जाएगा आपका पैकेट। इस वजह से क्या हो सकता है, अगर ये एक पैकेट है, अगर ऐसा ही बिहेवियर बहुत सारे पैकेट्स के साथ आपके नेटवर्क में परफॉर्म होने लग गया तो कंजेशन हो सकता है, और जो आपके यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखने वाले पैकेट्स हैं दे मे बी गेटिंग डिलेड टू अराइव टू अ डेस्टिनेशन, या फिर दोज पैकेट में भी गेटिंग लॉस्ट। ये बहुत सारी समस्याएं जो है इस पर्टिकुलर फंडे की वजह से अराइज हो सकती है, लेकिन फिर हमें इस चंगुल से, इस लूप से हमें कौन निकाल सकता है, कौन बचा सकता है, तो वो है सिंपल सी बात, आपका TTL फील्ड, दैट इज टाइम टू लिव। ओके, टाइम टू लिव क्या करता है, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हम हॉप्स की बातें करते हैं, कितना हॉप्स के, जो जंपिंग कर रहे हैं ना हम लोग, कुदी मार रहे हैं, एक से दूसरी जगह कुदी, फिर एक और कुदी, तो ऐसे कितनी कुदियां मारेंगे, ऐसे कितने हॉप्स मारेंगे हम। ओके, तो वो अभी हम लोग देखने वाले। अब यहाँ सेंडर से रिसीवर तक हमें एक पैकेट भेजना है। ओके, और यहाँ पे TTL हम इनिशियलाइज करते हैं सेंडर साइड पे, तो TTL एक फील्ड होगा यहाँ पे आपके इस रिस्पेक्टिव पैकेट में, तो उस TTL को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं टू, लेट से थ्री, यानी क्या कि सेंडर इस रिस्पेक्टिव TTL इज इक्वल टू 3 के असाइनमेंट से ये कहना चाहता है कि मेरा जो ये पर्टिकुलर पैकेट है वो 3 हॉप्स लेते हुए अपने डेस्टिनेशन या रिसीवर तक पहुंच जाएगा, ये उसका कहने का मतलब है। अगर नहीं पहुंच पाया तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दो, ये सिंपल सा उसका मीनिंग है, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये पैकेट यहां से पहला हॉप मारता है यहां पे, अब यहां पे जो ये मेरा है पैकेट पहुंचा है, तो ये राउटर का काम क्या होता है, राउटर क्या करता है एक तरीके से, यहां पे ये जो आपका TTL है, TTL की क्या वैल्यू है यहां पे 3 है, तो ये उसे डिक्रीमेंट करता है बाय 1। हर एक हॉप पे आपका जो TTL का वैल्यू इनिशियलाइज्ड होता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो 1 से डिक्रीमेंट होते जाता है, 1 से डिक्रीमेंट होते जाता है एवरी स्टेप। इसी तरीके से जब आप आगे जाते हो तो यहां पे भी आपका पैकेट पहुंचता है, तो उसकी TTL की वैल्यू कितनी है यहां पे, इट इज 2, जो कि पिछले इसने डिक्रीमेंट की थी, यहां पे गया TTL की वैल्यू 2 है, ये राउटर क्या करता है 1 से और डिक्रीमेंट कर देता है उसको, अभी 1 आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से अब ये वापस से हॉप खाता है और रिसीवर तक पहुंचता है, अब रिसीवर पे जो पैकेट पहुंचा है उसमें TTL की वैल्यू क्या है 1, रिसीवर भी क्या करता है उसको 0 करता है, मतलब रिसीवर भी उसको 1 से डिक्रीमेंट करता है। अब ये जो सिनारियो है एक तरीके से आप कह सकते हो दिस इज अ वैलिड सिनारियो, क्योंकि यहां पे सेंडर ने बोला था कि 3 कूदी मारते हुए, 3 हॉप मारते हुए, 3 जंप मारते हुए रिसीवर तक पहुंच जाएगा, 1 2 3 बराबर 3 जंप मार के वो रिसीवर तक पहुंच गया, सो इट इज नॉट अ इनवैलिड, इट इज अ वैलिड, बराबर है। तो वैलिड कब होगा या फिर इनवैलिड कब होगा वो हम लोग अभी चेक करते हैं। इनवैलिड तब होगा, आपका पैकेट डिस्कार्ड तब होगा जब आप अपने राउटर पे हो और आपकी जो TTL की वैल्यू है वो 0 है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, आप राउटर पे हो, आपका पैकेट राउटर पे है और उसकी TTL की वैल्यू 0 हो चुकी है, उस कंडीशन में, उस केस में आप उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं 3 की जगह पे 2 हॉप देता तो क्या होता, यहां पे जाता, यहां पे 2 है TTL की वैल्यू, वो 1 हो जाती, फिर वापस से वो यहां पे जाता, 1 वैल्यू आई, 1 का वो 0 कर देता, और जैसे ही राउटर देखता कि मैंने डिक्रीमेंट की TTL की वैल्यू और वो 0 हो गई, इसका मतलब भाई साहब अभी राउटर पे TTL की वैल्यू 0 दिखा रहा है, इसका मतलब आपका जो ये पैकेट निकला था इसे हमें डिस्कार्ड कर देना है, एट दिस पॉइंट आपका पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो राउटर्स हैं जब वो आपका पैकेट राउटर्स के थ्रू गुजर रहा होगा तो आपके TTL की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर देन 0। अगर वो 0 हो जाती, जैसे कि इस केस में 0 हो गई, तो आपका पैकेट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। रिसीवर के पास पहुंचने के बाद, डिक्रीमेंट करने के बाद अगर 0 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि इस केस में रिसीवर के पास पहुंचने के बाद TTL की वैल्यू 0 हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैलिड आपका पूरा ट्रांसमिशन है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अभी ये जो बिहेवियर आपने देखा TTL का वो कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। लेट्स कंसीडर मेरा ये पैकेट यहां पे आया था। ओके, अब इस पैकेट में 5 जो है एक तरीके से ये TTL की वैल्यू थी। इनिशियल सेंडर ने क्या किया, TTL की वैल्यू 5 भेजी है, उसको क्या लगता है कि 5 हॉप मारते हुए आपका जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो वो डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, फालतू में क्यों वो उसको लूप में घुमाना है, लाइक दैट। ओके, तो यहां पे वो R1 पे आता है, पहले तो भी सेंडर से निकला R1 पे आया,
अब ये पहला हॉप हुआ उसका, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो R1 पे आया तो R1 ने क्या किया, इसका 5 का 4 कर दिया, समझ में आया। अब ये पैकेट जब 4 TTL के साथ R2 पे पहुंचा तो R2 ने इसको डिक्रीमेंट कर दिया 3 पे। अब जब ये यहां पे पहुंचा R3 पे विथ अ वैल्यू ऑफ 3 TTL तो इसने उसको डिक्रीमेंट कर दिया 2 पे। अब ये वापस से जब यहां पे पहुंचा विद अ वैल्यू ऑफ TTL 2 तो R1 ने इसको 1 कर दिया। अब ये 1 वापस से कहां जाएगा, R2 के पास जाएगा 1 वैल्यू ऑफ TTL, और फिर यहां पे R2 उसको 0 कर देगा और R2 नोटिस करेगा कि यहां पे आपके TTL की वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर पैकेट 0 हो चुकी है। इसका मतलब भैया अभी आपको इस पैकेट को डिस्कार्ड करना है, इसको छोड़ दो, इसको ज्यादा एंटरटेन मत करो, जस्ट डिस्कार्ड दैट पैकेट बिकॉज अब ये राउटर पे है और उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। व्हाट इज द कंडीशन कि 0 से ज्यादा आपकी TTL की वैल्यू होनी चाहिए व्हेन इट इज एट राउटर, तो ये आपकी 0 हो चुकी है। तो अब यहां पे आपका पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, वो उस लूप की कंडीशन में नहीं घूमता बैठेगा, वो यहां से छुटकारा पा लेगा और चले जाएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इस तरीके से TTL जो है वो हमारी मदद करने की कोशिश करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।